स्टॉकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं HDFC के बारे में। यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, क्या होंगे टारगेट्स एंड क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चलें 20 अप्रैल के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर आज के 15 मिनट्स के चार्ट की। तो आप देखिए यहाँ पर लगातार गिरावट का सिलसिला अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। 2172 रुपये पर ट्रेड करता हुआ अभी स्टॉक नज़र आ रहा है। अगर डेली चार्ट बेसिस पर बात करते हैं तो देखिए स्टॉक ने एक हाई लगाया था करीबन 2925 रुपये का और यहीं से गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। लगातार आप देखेंगे दोस्तों, अगर चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो लोअर लो लगाता हुआ स्टॉक देखिए नज़र आ रहा है, लगातार अपने पुराने सभी सपोर्ट्स को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। और रीसेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए इसने अपने रीसेंट सपोर्ट यानी कि 2358 रुपये के सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए नहीं, तो हमारे हिसाब से देखिए अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना पसंद करते हैं तो देखिए उनके लिए तो बिल्कुल मेरी तरफ से नो है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी बाइंग यहाँ पर नहीं करनी है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो देखिए आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक अवेलेबल है 3028 रुपये से 2172 रुपये, यानी कि अच्छा खासा डिस्काउंट है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो भी SIP मोड में आपको बाइंग करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडर को दोस्तों मैं मना करूंगा यहां पर बिल्कुल, अगर आप हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, निचले लेवल पर कहीं आप बाइंग करके दोबारा से चल सकते हैं क्योंकि फिर देखिए निचले लेवल पर आपको ज़रूर बाइंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी बिल्कुल इस स्टॉक से आपको बचना चाहिए। बात करें रीसेंट सपोर्ट की यानी कि आने वाले सपोर्ट की, तो देखिए नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेकर चल सकते हैं 2060 रुपये का। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो फिर से 2000 रुपये की तरफ गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बात करें टारगेट्स की, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ फिर से बाउंस बैक स्टॉक दिखाता है तो नेक्स्ट टारगेट जल्द ही स्टॉक दिखा सकता है 2350-2400 की टारगेट्स। तो ये टारगेट्स ऊपर की तरफ लेकर चल सकते हैं HDFC के अंदर। तो ये होने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, इनका आपको ध्यान रखना है। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, आप चाहें तो अपनी खुद की एनालिसिस, खुद की रिसर्च ज़रूर करके चल सकते हैं। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।